एक्स हस्बैंड की शादी में पूजा बेदी भी बनी थी बाराती। बच्चों संग झूम कर किया था डांस। तलाक के बाद पति से नहीं मिली थी फूटी कोड़ी। 2 साल बाद एक्स हस्बैंड को ही दे डाला था लाखों का लोन। पूजा बेदी की जिंदगी से जुड़ी ऐसी बातें आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। कबीर बेदी की बेटी और अलाया एफ की मॉम पूजा बेदी अपनी बिंदास इमेज के लिए जानी जाती हैं। पूजा बेदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे विवादित सितारों में से एक रही हैं। पूजा को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। पूजा ने इतनी सुर्खियां अपने फिल्मी करियर के लिए नहीं बटोरी होंगी जितना कि वो अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चाओं में छाई रही हैं। लेकिन आज हम आपको पूजा बेदी की शादी और उनके तलाक से जुड़े उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे ज्यादातर लोग अनजान हैं। पूजा बेदी की जिंदगी में फरहान फर्नीचर वाला की एंट्री उनके बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही हो गई थी। साल 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली पूजा साल 1990 में पहली बार फरहान फर्नीचर वाला से मिली थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और 3 साल की डेटिंग के बाद पूजा ने 6 मई 1994 को फरहान से शादी कर ली। बताया जाता है कि फरहान से शादी के लिए पूजा ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। वो पूजा बेदी से नूर जहां बन गई थी। हालांकि ये शादी 9 साल ही टिक पाई। अपने तलाक से जुड़े एक सच का खुलासा पूजा बेदी ने बरसों बाद एक इंटरव्यू में किया था। एक टीवी चैट शो में पूजा बेदी ने बताया था कि शादी में दिक्कतें आने के बाद जब उन्होंने फरहान से तलाक लेने का फैसला किया था तो फरहान उन्हें तलाक देने के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। हालांकि पूजा ठान चुकी थी कि वो इस शादी में नहीं रह सकती, जिसके बाद फरहान ने उन्हें तलाक के बदले मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया था। एक्स हस्बैंड से एक पैसा भी एलिमनी ना लेने के बारे में बताते हुए पूजा ने कहा था कि मेरे एक्स हस्बैंड ने साफ कह दिया था कि वो मुझे तलाक नहीं देना चाहते क्योंकि तुम परफेक्ट वाइफ हो, लेकिन मैंने कह दिया था कि ये परफेक्ट शादी नहीं है, इसे खत्म करना ही बेहतर है। बाद में मुझे काफी डराया भी गया कि मैं अकेले इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। इसके आगे पूजा ने कहा कि मुझे बताया गया था कि मेरे पास कई कानूनी अधिकार नहीं है और एलिमनी के लिए लड़ना भी लंबी प्रक्रिया होगी। मैंने तब आपसी सहमति से तलाक के लिए फाइल करने और गुजारा भत्ता में एक भी पैसा नहीं लेने का फैसला किया क्योंकि मेरे पूर्व पति किसी भी पैसे को देने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि तलाक के बाद पूजा ने मॉडलिंग और चैट शोज में काम करना शुरू किया, जिसके बाद उनके करियर की गाड़ी चल पड़ी। अपने इसी इंटरव्यू में पूजा ने ये खुलासा भी किया था कि तलाक के 2 साल बाद ही फरहान ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उनसे लाखों का लोन मांगा था। पूजा ने तब अपने बच्चों की खातिर एक्स हस्बैंड को लोन भी दिया, लेकिन पूरे 16% ब्याज के साथ। तलाक के बरसों बाद भी पूजा अपने एक्स हस्बैंड के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं। यहाँ तक कि साल 2010 में जब फरहान फर्नीचर वाला ने लैला खान के साथ दूसरी शादी की थी, तब पूजा बेदी अपने दोनों बच्चों अलाया और उमार के साथ एक्स हस्बैंड की शादी में शामिल हुई थी और जमकर नाची भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।